आज एक बेस लगाना शुरू करो, सांवली रंगत है, बेस ऐसी लगाना और शीशा इसको दो, जरा ये भी देखती रहे कि कैसे लगा रहे ताकि इसको भी अंदाजा हो। शीशा है कोई? हाँ शीशा। शहजादी मेरा शीशा दे दो जरा, वो अच्छा है, वो जरा उसमें मेकअप नहीं है ना तो गिरेगा नहीं इसके ऊपर कपड़ों में। अच्छा अब वाजिद कौन से कलर की बेस लगा रहा है ये बड़ा देखना जरूरी है। अगर फर्ज करो लड़कियों के पास बेस नहीं है और कोई ब्राइट कलर ले आई है, फिर ये भी बताना ऑप्शन के। हाँ अच्छा, क्या है कि बेस लगाएं लेकिन उतनी लगाएं जितनी आपको चाहिए है। अच्छा मेकअप, हाँ मेकअप करने के लिए ही बना है। जो लोग बोलते हैं हम पे मेकअप नहीं अच्छा लगता, ऐसा वाला मेकअप बताना जो खुद कर, खुद ने कहा। और मेरा जब टीवी पे आता हूँ, देखिए सैलॉन पे जब मैं कोई कोर्स करवाता हूँ तो दैट वाज सम कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम टीवी पे आके बता रहे होते हैं तो हम आपके लिए काम कर रहे होते हैं। अब जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा व्हाइट रंग की बेस, यूजुअली क्या होता है लोग, अगर हम बहुत ज्यादा सफेद रंग की अगर बेस होती है, यूजुअली लड़कियां क्या करती हैं सफेद रंग की बेस खरीद लेती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सफेद रंग की बेस है और आपके पास उसको आपको अपने कलर के हिसाब से बनाना है तो आप उसके अंदर कलर मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं दूसरी बेस मिक्स कर रहा हूँ, ये लायला का मेरा फाउंडेशन है, दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन, फुल कवरेज है और स्टे करता है ये स्किन के ऊपर जाके। तो मैंने इसके अंदर हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स किया है इनकी टोन बनाने के लिए, ठीक है। ये देखें, और अब ये देखिए, पहले तो जाके खुद ही सही बेस खरीदो भाई। हाँ, सफेद बेस ना खरीदो। हाँ, हाँ ये देखिए, हल्का गोरा भी हो जाएगा। हाँ, और बहुत ज्यादा गोरा नहीं होगा साथ साथ कि आप ग्रे लगे टीवी पे। तो आप अगर आपके पास दूसरा कोई बेस नहीं हो तो हल्का सा उसके अंदर ब्लशर का कलर मिक्स कर लें टू क्रिएट पिगमेंट कलर। जैसे कि ये ब्राउन कलर आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर, सफेद बेस के अंदर, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं और सबसे पहले बेस खरीदना हो तो आप अपने फेस के ऊपर लगा के ट्राई करें, हाथ में ना लगा के, हाथ में ना लगाएं, फेस के ऊपर लगा के करें क्योंकि आप चेहरे पे। अच्छा मुझे एक इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, मुझे ये बताओ वाजिद, ये जो बच्ची है इसकी स्किन ज्यादा अच्छी इस लिक्विड बेस से लगेगी या वो जो मुझे दो थोड़ी सी वो स्टिक वाली, स्टिक दो या स्टिक वाली बेस से? नो, लिक्विड से। अच्छा लिक्विड जो होती है बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है लिक्विड। हाँ। तो अगर जब आप स्टिक लगाते हो तो लाइनें बनने लगती हैं। अच्छा हाँ, स्टिक आप अगर बहुत प्रोफेशनल है, अगर आपकी आदत है तो आप कम बेस लगा के भी खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जिनको मेकअप नहीं आता तो वो लिक्विड बेस, लिक्विड क्रीम की तरह लगा सकते हैं, वो क्रीम की तरह लगा सकते हैं। जैसे हमने ये लगाया उसके बाद फिंगर टिप के साथ ब्लेंड हो रही है और आप देखें। अच्छा अपने हाथ से भी करो, देखो जरा तुम खुद करो और स्किन पे जाके ये बिल्कुल करो जिस तरह वाजिद करे, अपने हाथ से कर पाओगी तुम? देखो करो, दूसरी साइड करो, उसी साइड तुम दो ना सुबह। मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक से पहले दिखा सके कि ये खुद बेस अगर लगानी हो तो कैसे करोगी। ये है, एक सेकंड रुको रुको रुको, इसमें और मिक्स करेगा ना तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन बनाना जो है। अब इन दोनों को मिक्स करो, इनको मिक्स करो हाथ से, हाथ से मिक्स करो। हाँ। अच्छी तरह मिक्स करो, अच्छी तरीके से मिक्स करो, इतनी शर्मा क्यों रही हो? मिक्स करो और अब लगा। अब अपने यहाँ पे लगाओ, मुंह पे लगाओ, शीशे में देखो। अच्छा ऐसे नहीं, पहले कैसे लगाया? देखो ये किया आपने, टिक 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 करके लगा लिया। करो ऐसे करो बाजी, जिसको करने दो ना ताकि पता चले। हाँ शीशा भी हाथ टिक टिक करो ना, और आपने रगड़ना नहीं, आप जब रगड़ते हैं तो वो बेस उतरना शुरू हो जाती है। हाँ इस तरह, हाँ बिल्कुल, टिक टिक करके जो टिक टिक करो दोबारा इस तरह, पूरे माथे वाते पे भी करो ना, माथे वाते पे भी और इस पे भी लगाओ, इस जगह पे भी लगाओ सारी, इस तरफ भी। हाँ लगा, इसको बेस खुद ही लगाएगी। डरो नहीं, देखो डरो नहीं, ये लिया और इस तरीके से करके जैसे क्रीम भी लगाते हैं, जैसे क्रीम लगाते हैं इस तरीके से करके आप लगाएं। लगाओ अपर लिप्स पे, लगाओ अपर लिप्स पे, लगाओ उठाओ होंठों के ऊपर, होंठों के ऊपर। हाँ अब लगा खुद से पूरा। अच्छा बिल्कुल, देखो चिन पे लगाओ, चिन पे, चिन भूल जाती है। हाँ। हर चीज पूरे यहाँ चिन पे, पूरे फेस पे लगा। चलो अब यहाँ से ब्लेंडिंग करो सारी, पूरा बेस डॉट जैसे इवन, जैसे ना बिल्कुल इवन स्मूथ कर दो बिल्कुल। चाहो तो दूसरा हाथ भी ले लो, हल्का हाथ रखो, बताओ फोर्स कितनी होनी चाहिए। देखो जब भी आप लगाते हो ना तो आप जब ब्लेंड करते हो तो आपका सॉफ्ट हाथ इस तरीके से चलना चाहिए हवा में, जैसे आप सॉफ्टली अगर आप रब करोगे तो आप उतार दोगे, ठीक है। अगर रगड़ना शुरू करोगे तो जो लगा हुआ है वो उतरना शुरू हो जाएगा। एक चीज एज अ लर्नर मैं बताना चाहूंगी कि ये तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट से सिखाता है, जब मैं अपनी ये वाली फिंगर यूज करती हूँ ना मेकअप करने के लिए तो मुझे फोर्स लगती है क्योंकि इस फिंगर में ज्यादा ताकत होती है। जब आप ये रिंग फिंगर जो होता है ना ये यूज करते ना तो इससे खुद ब खुद इतनी ताकत नहीं लगती। जैसे आप अपने फेस पे ये वाली जिसमें अंगूठी पहनते हैं ना मंगनी की, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अगर आप बेस इससे ब्लेंड करेंगे ना तो वो जो फोर्स आपको चाहिए मेकअप करने के लिए वही मिलेगी। हाँ अगर आप इससे करेंगे तो ये या ये फिंगर ज्यादा फोर्स लगाती है, मगर आप इससे करके देखें
तो हल्के हल्के होगा खुद ब खुद। भले ब्लेंडिंग आप इससे करें लेकिन लगाएं इससे स्पॉट। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस देखें, इस बच्ची ने आधा अपना खुद ब्लेंड किया और बिल्कुल सही ब्लेंड, बहुत अच्छा और सारी स्मूथ है और ये बिल्कुल स्किन के ऊपर जाके बेस चिपक जाती है और 5-6-7-8 घंटे आराम से निकालती है।